हेलो दोस्तों, मैं हूँ सागर अली और आप देख रहे हैं सागर अली वीलॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में। प्रोबेबली इस वीडियो में हम सिंपल पेपर के बारे में बात करेंगे। ये मैं सिंपल पेपर आपको दिखाऊंगा और वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक और मैं बात बता दूँ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में सैम्पल पेपर्स बताए थे, ठीक है, मैंने कंपाइल करके दो सैम्पल पेपर्स किए हैं, जिसमें से एक सैम्पल पेपर मैं अभी आपको शो ऑफ करने वाला हूं और उसी को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हैं बहुत, क्योंकि एक दिन रह गया है प्रिपरेशन में। मैं उनको पहले नसीहत कुछ देना चाहता हूं स्टार्टिंग में। देखें, मैथ की तरफ ना जाएं, मैथ को छोड़ दें अगर नहीं आता। एंटोनियम्स आने इनको मेमोराइज ना करो अगर नहीं आता, अगर भूल जाते हो। अभी जो चीज़ें आपके पास हैं ऑलरेडी, उन पर फोकस करो और कल रात जल्दी से सो जाना और सुबह उठ के फ्रेश चले जाना। एक बात और याद रखें, कल रात 9 बजे के बाद, मतलब कल सैटरडे है, सैटरडे के रात को 9 बजे के बाद कुछ भी नहीं पढ़ना, सुबह डायरेक्ट चले जाना अपनी टेस्ट पे। तो यहाँ पर पास पेपर हम जो है, सॉरी पास पेपर नहीं, सैंपल पेपर रिव्यू करते हैं और आपको मैं बताऊंगा, ट्रिक वगैरह दूंगा कि कैसे आपको कौन सा पोर्शन पहले करना है, बाद में कौन सा करना है, कैसे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं वगैरह वगैरह। अगर एमसीक्यूज नहीं भी आते तो आपको तुक्का कैसे लगाना है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको उस पोर्शन के तरफ जाना है जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, आपके लिए आसान हो। तो सब द फर्स्ट की फॉर द टेस्ट इज टू गो फॉर दोज सेक्शंस दैट आर इंटरेस्टिंग फॉर यू। वो उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादातर आपको एमसीक्यूज आएंगे और आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो फॉर मी साइंस इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग। अभी मैं साइंस की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि साइंस मेरा आसान है तो यू हैव टू गो साइंस। अगर आपको लग रहा है नहीं इंग्लिश, तो यू हैव टू गो थ्रू इंग्लिश। सो यहाँ पर हम इंग्लिश में बात करते हैं। मसलन आप पढ़ रहे हो, चूज़ द करेक्ट आंसर, ओके, साइनोनिम ऑफ दीज वर्ड्स। अगर यहाँ पर मैंने सबनेम पढ़ा है ओमिट, अब यहाँ पर मसलन इरेक्यूलस, मिस्टेक, डिस्ट्रॉय, नेगलेक्ट। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये ओमिट सुना होगा, ओमिट मीन टू से नेगलेक्ट। देयरफॉर इमेक्युलेट, इमेक्युलेट व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इमेक्युलेट, सिनोनिम मीन टू से सेम मीनिंग, डर्टी, प्योर, फिल्दी, न्यूट्रल। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं आ रहा, कोई भी आपको यहाँ पर नहीं आ रहा ऑप्शन, अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। देखें, न्यूट्रल तो नहीं होगा, इमेक्युलेट मतलब न्यूट्रल तो नहीं है। अगर आप सिनोनिम रीड करें, खाली रीडिंग करें, सिनोनिम रीड किया करें, आप उनको मेमोराइज ना करें, याद ना करें, बस रीड करें। डर्टी मीन टू से फिल, डर्टी मीन टू से फिल्दी। अब ये देखो, डर्टी और फिल्दी, इसका मतलब है अनक्लियर। फिल्दी मीन टू से अनक्लियर, डर्टी मीन टू से अनक्लियर, जो साफ ना हो, अनक्लीन। न्यूट्रल तो लगा ही नहीं। अब यहाँ पर है प्योर, प्योर मीन टू से क्लियर, वेरी क्लियर मीन टू से इमेक्युलेट। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाना है। अगर फिर भी नहीं आए तो आप उसको छोड़ दें, आप उसको छोड़ दें, आगे तरफ जाएं, इसमें टाइम वेस्ट ना करें। परफेक्ट, अब परफेक्ट मीन टू से बेड, साइनोनिम नहीं, ये तो नहीं हो सकता आपके हिसाब से। इनएक्टिव नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनएक्टिव परफेक्ट के लिए हो ही नहीं सकता। फॉल्टलेस, क्या आपको ये लग रहा है, और वर्कलेस, परफेक्ट मीन टू से फॉल्टलेस और वर्कलेस, वर्कलेस भी नहीं हो सकता, यहाँ पर आ गया फॉल्टलेस। तो आप अपना अंदाज़ा लगाएं थर्ड का, अपना क्या होगा, फॉल्टलेस। देयरफॉर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है कि ओरल, ओरल मीन टू से जिसमें वर्ड्स वगैरह यूज हों, यू नो वेरी वेल। अननेचुरल, स्पोकन, फॉर्मल, रिटन, अब यहाँ पर होगा स्पोकन, ठीक है। देयरफॉर फिफ्थ, सिंटैक्स, सेंटेंस ये क्या है, आपको कुछ भी नहीं होगा इसका पता, लेकिन सेंटेंस आपको ये पता होगा कि ग्रामर में आ सकता है। होप नहीं, नॉइस नहीं, अपॉइंट नहीं, थोड़ा अंदाज़ा हो कि ग्रामर का ये पोर्शन है सेंटेंस, तो यहाँ पर ग्रामर। देयरफॉर एंटोनियम, अगर ना आए उनको छोड़ दो, एंटोनियम। अब यहाँ पर से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लिया करो, बाद में आपको ये इनको पता होगा। मैं आपके इनके ऑप्शन जो हैं वो मैं आपको
कमेंट बॉक्स के लिंक में दे दूंगा ऑप्शंस, इनके सिर्फ ऑप्शंस कि फर्स्ट का कौन सा है, सेकंड का कौन सा है, ऑप्शंस नीचे जो चैट जीपीटी से हैं और जो इसके अंदर भी थे। चूज़ द करेक्ट एंटोनियम। एंटोनियम के अंदर फर्स्ट है हमारा क्लियरिटी। अब एंटोनियम इंडो से एंटी मीनिंग, इसकी एंटी मीनिंग क्या है? क्लियरिटी का है एग्जर्शन, कंट्रोल, कन्फ्यूजन या रिजर्व। अब जो क्लियरिटी का है वैसे वो हमारा है सी ऑप्शन, कन्फ्यूजन। क्लियरिटी, क्लियरिटी मीन टू से एक चीज़ क्लियर हो आपको, लेकिन इसका एंटोनियम क्या है? कन्फ्यूजन। कन्फेस, कन्फेस मीन टू से कबूल करना, यू नो वेरी वेल। अब इसका क्या है? डिने, रिफ्यूज, कॉन्टेस्ट और कॉन्टेंट। अब इसका क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है कन्फेस मीन टू से एक बात कबूल करना, उसका है डिने। अबोर, ये अबोर आ भी गया है, लास्ट ईयर्स में भी आया है, अभी भी आया है यहाँ पर, ठीक है, सैंपल में, और आ भी सकता है, ठीक है। इसका जो अबोर है उसका सॉरी एंटोनियम कौन सा है? क्या अबोर का है लव, लाइकनेस, अट्रैक्टिव, लोथ? अबोर का है लव, क्योंकि अबोर को हम कहते हैं, अबोर का जो सानियनम में वो है हेट, सानियनम में भी आ सकता है, और अबोर है लव। फिक्स्ड, हेसिटेंट, करेक्ट, लूज, डिले। इसका फिक्स का एंटोनियम क्या हो सकता है? अब आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी है फिक्स का लूज। वायलेंट, वायलेंट मीन्स वो जो नॉइस करे। टेम्प, हम्बल, जेंटल, हार्मलेस। आपके हिसाब से देखें, हम्बल भी हो सकता है, जेंटल भी हो सकता है, हार्मलेस भी हो सकता है। अब आपके हिसाब से क्या होगा जो सूटेबल है? वो क्या है ऑप्शन? वैसे आपको लग रहेगा हार्मलेस ये वो, इसका जो है वायलेंट का वो है टेम्प। टेम्प मीन टू से बिल्कुल साइलेंट, जो कोई भी ऐसी हरकतें ना करे। देखो ये हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। अब प्रीपोजिशन के अंदर फर्स्ट जो है आई एम गोइंग टू ज्वाइन माय ड्यूटी देश अ वीक। आपके हिसाब से यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा हो सकता है? आई एम गोइंग टू ज्वाइन ओके माय ड्यूटी फॉर अ वीक। अब आपको पता होगा हम प्रोग्रेसिव टेंसेस में फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस अ वीक नहीं होगा, फॉर अ वीक, ये याद रखें। सत्तार इज देश ऑन वेकेशन, सॉरी सत्तार इज ऑन वेकेशन, ओके। लुक देश द स्काई, आपने सुना होगा एक्चुअली लुक एट मी। सो यहाँ पर जो यहाँ पर है इसका है, उसका है एट, लुक एट स्काई, ओके। ऑप्शन 13 का लुक एट। देयरफॉर शी इज देश शी इज ओल्ड देश हर एज। अब यहाँ पर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? शी इज ओल्ड फॉर हर एज। अ प्लेन इज देश टू फ्लाई। अब यहाँ पर रैन मार्टिन का ये आंसर है, अ प्लेन इज अबाउट टू फ्लाई, इसका मतलब है जहाज जो है उड़ने के कागार पे है, जहाज उड़ सकता है। सो एक चीज सडन में हो जो, उसके लिए हम कहते हैं अबाउट टू। Therefore, choose the correct spelling. ठीक है, उम्मीद है ऊपर वाला आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब choose the correct spelling. ठीक है, Therefore, अब choose the correct spelling में क्या है? इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है? आपने एक स्पेल सुनी होगी एफिडेविट सुना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कौन सी स्पेलिंग सही लग रही है? एफिडेविट की वैसे जो स्पेलिंग है वो है ए एफ एफ आई डी ए वी आई टी। देयरफॉर है सेंट्रीफ्यूज। क्या ये सेंट्रीफ्यूज होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है, क्या होता है? ये होता है सेंट्रीफ्यूज, ओके। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपने पढ़ी होती है, ये भी सेंट्रीफ्यूज ही है, ऑप्शन फोर्थ। डिफरेंस का की क्या स्पेलिंग है? डबल एफ होता है, हाँ डबल एफ यहाँ पर ही है। क्या ये भी है? क्या या ये है या ये है? आप देखें ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग बिल्कुल सेम लग रही है, ठीक है, सेम है। तो यहाँ से देखें कौन सा सही है डिफरेंस में। जरा सी बात है, स्पेलिंग जो है इन चारों में से ये दोनों सेम है, डी ई एफ ई R E N C E, डिफरेंस, ओके।
DEFF नहीं होता डिफरेंस का। एंटरप्रेन्योरशिप ये सिंबल पेपर के अंदर ये भी आया है और एफिडेविट भी आया है, सेंट्रीफ्यूज भी आया है। एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर आपके हिसाब से कौन सी स्पेलिंग है, आर ई वाली, एन ई यू आर वाली, या एन यू आर आर ई वाली, या ई यू आर वाली? जो इसकी जो स्पेलिंग है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इसकी ये ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरियो, यू नहीं, ब्यूरियो, 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 इसकी जो स्पेलिंग है ब्यूरोक्रेसी की वो है बी यू आर ई ए यू सी आर ए सी वाई, ब्यूरोक्रेसी। देखो उम्मीद है आपने ऊपर वाला जो है यू नो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको सेट करता हूँ। अच्छा ऊपर तो ले लिया होगा, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अब चूज द यू नो नरेशन। अब यहाँ पर जो नरेशन है आपकी वो है ही सेड टू मी आई एम रेडी, इसका क्या होगा? ही जो है वो है थर्ड पर्सन, ही जो ही का ही होगा। सेड टू मी, जब ऑब्जेक्ट हो, सेड टू हो, तो सेड टू टोल्ड में चला जाता है। अब नंबर वन सब्जेक्ट को देखें, नंबर टू ऑब्जेक्ट को, नंबर वन वर्ब को देखें, वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट है सेड टू हो जाता है टोल्ड। आई इन टू ही, ही सेड, ओके ही टोल्ड मी दैट, इसका रिमूव करने के लिए दैट ही, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस इन टू, प्रेजेंट कंटिन्यूस इन टू पास कंटिन्यूस, ही वॉज रेडी, टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी, ऑप्शन बी। करीम सेज आई शल गो देयर, करीम सेज, अगर सेज हो तो सेम ही रहेगा, प्रेजेंट सिंपल में अगर फॉर्म हो तो सेम रहेगा। वैन मार्टन, ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, करीम सेज, करीम सेज, इसको रिमूव करने के लिए दैट, ओके ही शल, ओ सॉरी, ओके करीम के लिए हम क्या करेंगे, करीम सेज आई शल गो देयर। अब यहाँ पर क्या आपका जो करीम का आई है वो रिप्लेस होगा, जाहिर सी बात होगा, करीम को सेम थोड़ी रखेंगे। करीम सेज दैट ही, अब यहाँ पर शल होगा, विल होगा, सो द यू नो स्टेटमेंट ऑफ द प्रेजेंट स्टेटमेंट इज, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, द ऑप्शन विल बी, व्हिच ऑप्शन विल बी सुटेबल, करीम सेड नो, करीम सेज या, करीम सेज या, that that okay, he will go there, he went there, now what would be, he will go there, now the tense is, if the tense is in present simple you haven't need to change anything except time, for example today hota to that day hota, so Karim says okay that okay he will go there, I hope you are getting my point, so iska jo hai na option you probably two sahi hai। सुल्तान विल से टू मी, ओके आई एम योर क्लासमेट, सुल्तान विल से टू मी आई एम योर क्लासमेट, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हाँ है, सुल्तान विल, ओके अब फ्यूचर में हो अगर आए, यहाँ तो प्रेजेंट था, फ्यूचर है तो एक बार याद रखना, इफ द टेंस इज इन द फ्यूचर विल बी इन फ्यूचर इन द बिगनिंग, सुल्तान विल टेल मी, ओके सुल्तान विल टेल मी, सुल्तान विल टेल मी, सबका विल टेल मी है, ठीक है, देट होगा, ओके आई एन टू ही, ओके यहाँ पर देट ही इज, क्या ही इज होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेस में आपको क्या लग रहा है? अब यहाँ पर देखें, सुल्तान विल टेल मी देट ही इज माय क्लासमेट, वो क्यों, ऊपर प्रेजेंट सिंपल है तो हमने टेंस चेंज नहीं किया, वो सेम रखा, अगर फ्यूचर टेंस में भी ये सेम हो विल से टू मी, तो यहाँ पर विल से ऑब्जेक्ट है तो टेल मी, ओके विल टेल मी, देयरफॉर ये जो टेंस है वो सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट अगर गर्ल है तो शी, बॉय है तो ही, और यहाँ पर बिल्कुल सेम होगा, ही इज माई क्लासमेट, ऑप्शन नंबर ए। देयरफॉर सुल्तान हो गया, ही सेड टू यू दैट, ओके ही सेड टू यू, यू मे गो आउट, अब ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बताएं। अब देखें ये है, ठीक है ही होगा, यू है तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता होगा,
वो यू है क्या सेम रहेगा या क्या होगा? सेड टू है और उसके साथ ऑब्जेक्ट है, क्या होगा यहाँ पर? ही देश हो, ऑब्जेक्ट है सेड टू के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो ये जो यू है वो इस हिसाब से यू जो है वो क्या यू रहेगा या ही रहेगा, ये भी आप कमेंट में बताएं, ठीक है? अभी बताएं जाके, ताकि मैं आपको ऑप्शन करेक्ट वाला बताऊं। अभी अभी जाओ 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 जाओ, जल्दी से करो। यू है ओनली 1 मिनट, वीडियो को फेस करो। ओके, उम्मीद है आपने किया होगा। अब यहाँ पर देखें, ही ऑब्जेक्ट है, टोल्ड यू, यू सेम, ओके। अब ये ही जो है वो इसको कह रहा है, और यू में गो आउट, ही यू को कह रहा है। अब ये जो यू है वो इसके लिए, यू के लिए वो यूज़ रहा है, इसलिए हम ही होता और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ही को हम रिप्लेस कर देते, आए होता तो ही कर लेते। या लेकिन यहाँ पर जो ही है वो मुखातिब है यू से, ही सेड टू यू, ये होगा ही टोल्ड यू। एंड वेट, यू मे गो आउट, यू मे इनटू मॉडल वर्ब मे इनटू माइट, कैन इनटू कुड, विल इनटू वुड, शैल इनटू शुड, एंड मस्ट इनटू हैव टू, ये बात याद रखें, आउट। देखो ये ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पर जो देखें, ही सेड टू द सेड ही टोल्ड यू दैट यू माइट बी गो आउट, ओके गुड। तो यू गो, यू माइट गो आउट, ऑप्शन सी। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे चलते हैं, इंग्लिश में हैक्स हैं, बस प्रैक्टिस करो इनको, कोई रूल वो याद करने की ज़रूरत नहीं, इनको प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, ये प्रैक्टिस है, ठीक है? स्क्रीनशॉट पे ले लो इसका, क्योंकि ये मोबाइल का डिस्प्ले है, थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है। ओके, ही सेड टू मी आई हैड टू फिनिश दिस फर्स्ट। अब यहाँ पर ये आपका है, मैं नहीं करूँगा, ये आपका है, लास्ट तो आपका है, बस ये ऑब्जेक्ट है। पहले मैं थोड़ी हिंट देता हूँ, ही सेड टू मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आई जो है वो ऊपर के लिए, ठीक है, ये भी है। अब यहाँ पर आपका क्या होगा? ही सेड टू मी आई हैड फिनिश दिस फर्स्ट। अब दिस किस में चेंज होगा, आई किस में चेंज होगा, और ही सेड टू मी है, ही सेड टू यू नहीं है, यू होता तो इसको हम यू कर रखते। अब ये जो आई है ये क्या चीज़ है, आप इसका ऑप्शन में बताएं, इसका तो आप बिल्कुल बताएं, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा। चूज द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, माई फादर लव्स मी। अब यहाँ पर मी इनटू, जहाँ पर क्या होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, मी का सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है मी उसका आई है, ठीक है, और उसके बाद आई, ओके, ऑप्शन जो लव का है वो V3 फॉर्म लव्ड होगा, ठीक है, यू नो, उसके बाद हम लेते हैं बाय वगैरह लगा के माई फादर का, माई फादर का दे देंगे। सो आई देफो प्रेजेंट सिंपल है, तो उसमें क्या करेंगे हम, जल्दी बताएं इसका ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन है वो है आई एम लव्ड बाय माई फादर, ठीक है, वो क्यों, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट करें, आई लव्स है, प्रेजेंट सिंपल है, इनको प्रेजेंट प्रोग्रेस में करो, एम, ओके, लव्स को लव्ड करो, V3 फॉर्म बाय माई फादर। देयरफॉर माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग द मैच। अब यू हैव ओनली 3 सेकंड्स टू डिस्कस, ओके, नाउ सी। अब यहाँ पर जो मैच है वो मैच पे लेगा दी मैच, ओके, प्रेजेंट प्रोग्रेस हुए तो वॉचिंग का, यू नो माई सॉरी दी मैच इज, ओके, इज इंग फॉर्म है तो इसका बींग करते हैं, द मैच इज बींग वॉच्ड, वॉच इन टू वॉच्ड बाय माई फ्रेंड्स, गुड। देयरफॉर आगे लेते हैं, साहल स्पोक द लाई, द लाई, ओके, साहल स्पोक पास्ट सिंपल, इसका क्या होगा, जल्दी बताएं, ओके गुड गुड गुड। अब इसका है द लाई, ओके, वॉज स्पोकन, ओके, बाय साहिल साहब, सो द लाई इन टू सब्जेक्ट वॉज स्पोकन, प्रेजेंट पास सिंपल तो पास कंटिन्यूस का वॉज, देयरफॉर बाय साहिल। आगे चलते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, आई नो वेरी वेल, लेकिन उम्मीद है आप सीख रहे होगे। अब ये जो इसका 29th है वो आपके लिए होमवर्क है, जैसा कि मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिया, नरेशन जिसे कहते हैं, तो इसी को मैं आपको, अब ये क्या हो गया,
ओके, सो ये आपके लिए होमवर्क है, काइंडली इसको आप करें, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मैं घसीट के ऊपर ले आऊं थोड़ा। ठीक है, देखो इसका कौन सा है ये, मैं आपको, सॉरी मैंने आप नहीं बताया, समबडी हैड ऑलरेडी अडॉप्टेड हिम, सो हिम इनटू पहले आएगा, उसके बाद हेड है, तो ये यू नो सेम ही रहेगा। ओके, हेड है तो बीन, क्योंकि एक्टोपस है, मैं उसको वो समझ रहा था नरेशन से। ओके, हिम को पहले करेंगे ही, ओके हेड बीन, ओके एडोप्टेड, ये विथरी फॉर्म है, ओके बाय समबडी। देयरफॉर आगे चलते हैं, लास्ट वाला, लास्ट वाला आप करें, आई मस्ट हेल्प हिम, हिम को आप सब्जेक्ट कर दें उनका, उसके बाद मस्ट मस्ट सेम रहेगा, ठीक है। देयरफॉर कुछ चीज़ ऐड होगी एक्स्ट्रा, हेल्प कौन से फॉर्म में जाएगा, आई कौन से फॉर्म में जाएगा, ये आप कर लें। चलो आगे चलते हैं, जनरल नॉलेज 20 MCQs, ठीक है। अब इसको थोड़ा जनरल नॉलेज को जल्दी जल्दी करेंगे। द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दैट इज बी ऑप्शन, नाइल। द लार्जेस्ट मुगल एम्परर वाज, कौन सा था, इसका है सी, बहादुर शाह जफर, जिसने बहुत मतलब फतेह किए थे। शालीमार गार्डन सर लोकेटेड इज लोकेटेड इज सॉरी शालीमार गार्डन्स गार्डन्स गार्डन इज लोकेटेड इन, शालीमार गार्डन का है थर्ड का ऑप्शन, थर्ड का थर्ड है, लाहौर के अंदर, ठीक है। देयरफॉर कराकरम कनेक्ट्स दी पाकिस्तान विद, ऑप्शन बी, किससे, चाइना से। कराकरम करेंसी ऑफ सॉरी द करंट चैंपियन ऑफ द एशिया कप, कौन सा है चैंपियन, ये यू नो ऐसे ही मे बी इसको ऐड कर दो, करंट कौन सा है ये आप सर्च करना। मोहम्मद बिन कासिम इंटर्ड इन सिंध फ्रॉम द रीजन ऑफ, है ये आएगा, ये आएगा इस बार भी आएगा, देखना कौन सा है। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से हुआ था, ये ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम का ऑप्शन बी, देबाल से, ठीक है। देखो कारंजर माउंटेन्स आर लोकेटेड इन, यू हैव ओनली 3 सेकंड्स, जल्दी 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 लगाएं, तुक्का लगाएं या फिर बताएं, अगर ना आए तो उसको छोड़ दें, ना आए तो छोड़ दें, आगे चलें, ठीक है। टाइम सेव करना है आपको, क्योंकि ये 70 MCQs है, मैं आपको 30 मिनट में करके दिखाऊंगा, हालांकि आपके पास 2.5-2 घंटे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 उसका, क्वेश्चन नंबर सॉरी 7, 37 उसका क्या है, ऑप्शन सी थरपाकर, करंजर थरपाकर की तरफ है। हमाल लेक इज लोकेटेड इन, हमाल लेक कहाँ है, यू हैव 3 सेकंड्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पढ़ लें, कंबर हमाल लेक। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द एशिया, यू हैव ओनली 3 सेकंड्स, हरी अप, ऑप्शन बी डेड सी, लोएस्ट जो है पॉइंट है एशिया की। अब इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी, यू हैव ओनली, ओके 3 सेकंड्स, ऑप्शन डी इंडिया। मैं आपको 3 सेकंड या 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप जल्दी से उसे करें, ठीक है। साउथ पोल इज लोकेटेड इन, यू हैव ओनली 5 सेकंड्स, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। क्वाचा इज द करेंसी ऑफ, 5 सेकंड्स, ऑप्शन बी जम्बिया, जेम्बिया, ओके। कैपिटल सिटी ऑफ साउथ कोरिया इज, आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था, कौन सा है कौन सा है कौन सा है, यू हैव ओनली 3 सेकंड्स मोर, ऑप्शन डी, ओके सियोल। और नॉर्थ कोरिया का कौन सा है जिसमें डिक्टेटर है, आपको मैंने पास पेपर में करवाया था, उम्मीद है आपकी तैयारी होगी, क्योंकि पास पेपर से ही आएंगे पेपर, देखना। और उसके साथ साथ जीके में मैंने आपको बताया था, यह है वॉन, ठीक है, नॉर्थ कोरिया का वॉन, और इसका है सियोल। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्ली इज नोन एज, यू हैव 5 सेकंड्स, ऑप्शन ए
ओके ऑस्ट्रेलिया. हु रोड स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान, 5 सेकंड्स. इसका ये ऑप्शन बी अकबर एस अहमद, ये मैंने जीके में दिया है. बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज नॉन एस, यू ओनली हैव 3 सेकंड्स. ये बिल्कुल आसान है. ऑप्शन सी ड्रॉन लाइन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कंसिस्ट ऑफ देश आर्टिकल्स, ये भी मैंने बताया था जीके के अंदर. यू ओनली हैव 3 सेकंड्स मोर. ऑप्शन बी 250. In 1911, who was the Viceroy of India? You only have 5 seconds. Option B, Lord Handing. Therefore, the main corruption, the main occupation of the people of the Indus Valley was trade, fishing, hunting, or none of them. जल्दी बताएं, जल्दी बताएं. You only have 3 seconds. ये repeated हुए, ये आया भी है. Trade. हम सिंधियों का जो था, हम सिंधी कमज़ोर लोग थे, बच्चे, हम लड़ते नहीं थे, हम शरीफ लोग थे और अब भी हैं. अब भी तो हरामी भी हैं हमारे ज़्यादातर, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं. लेकिन अभी जो हमारा सिंध का जो है कल्चर 5000 ईयर्स अगो, वो हम ट्रेड करते थे. अभी तो नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, सरदारों के पीछे लगे हुए हैं, पता नहीं किस किस के पीछे लगे हैं. ये ना करो, अपनी मेहनत करो, या कोई बिजनेस खोल के बैठ जाओ. ओके सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, एलएनजी का, एलएनजी स्टैंड्स फॉर, ये आपके लिए, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बता दिया है, ठीक है. ये आपके लिए, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो. एलएनजी का फुल फॉर्म जल्दी लिखो, कमेंट में लिखो. अब कंजूस ही ना करो कि बाद में देखेंगे ये वो. यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है आपकी, मैं एक टीचर हूँ. जनरल नॉलेज, केमिकल से मिला पोटेशियम. जल्दी जल्दी जल्दी, ऑप्शन 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 ऑप्शन, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं. के शॉर्टेस्ट डे ऑन किस किस प्लेनेट पे शॉर्टेस्ट डे है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं. यू हैव ओनली 5 सेकंड्स. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में कौन सा है, जल्दी बताएं. वीनस. व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डे ऑन द पोल्स, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं. मैक्सिमम जो लेंथ ऑफ द डे है वो कितने हैं पोल्स की तरफ. ऑप्शन ए, ठीक है. ऑप्शन ए में क्या है, 6 मंथ्स. आज को एक रेयरली अकर्स इन, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं इनमें से. 5 सेकंड्स, मैं आपको प्रेशर दे रहा हूँ, मज़ा आया थोड़ा बहुत. ऑप्शन सी, मेक्सिको में अर्थक्वेक मतलब बिल्कुल कम आता है, बिल्कुल 9 के बराबर. ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इन, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं. एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट किस में होती है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो गया, जल्दी बताएं. वो है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन जो है ना किस एटमॉस्फेयर के लेयर में होती है, ओजोन के अंदर. ये हमने साइंस के पोर्शन में पढ़ा था, याद करें. इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इज इन द एयर, जल्दी बताएं. यू ओनली हैव 5 सेकंड्स. अच्छा तो क्या है, जल्दी बताएं. पता चल गया नहीं, ऑप्शन बी. बी कौन सा है देखें, हाइड्रोग्राफ, जिसमें हम ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं. आगे चलें. The nearest relatives of the man are हैं न्यू वर्ल्ड मंकी, एप्स, वर्ल्ड ओल्ड मंकी या लिमर्स. भाई ये तो हमें गधा बना रहे हैं, ये छोड़ दें. मैं इस चीज़ को, इस थ्योरी को रिजेक्ट करता हूँ कि मैन किस से बना है. अबे भाई छोड़ दो, एप्स से, वो कहते हैं वो बंदरिया से बना है. लेकिन ये तो गलत चीज़ है, मतलब ये थ्योरी ही रॉन्ग है. विजडम टीथ नॉर्मली ग्रो, हम तो आदम की औलाद हैं. विजडम टीथ नॉर्मली ग्रो ड्यूरिंग वन एज, यू नो, ड्यूरिंग द एज ऑफ विजडम, जो है बच्चे के दांत उखड़ के न्यू आते हैं, वो कब आते हैं, उसको विजडम कहते हैं. जल्दी बताएं. जाहिर सी बात है बच्चा होगा तो 12 to 15 होगा उसकी एज. ओके सो फिर भी इसका आप कन्फर्म कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से यही है ऑप्शन 12 यू नो एंड 15 ईयर्स. Therefore, saliva in man is alkaline, neutral, none of them, या acid. जल्दी बताएं, यह है अमगारा अल्कलाइन. saliva वैसे अल्कलाइन है जो फूड को तोड़ती है. लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम, सेरिब्रम, मिड ब्रेन या मेडुला. यू ओनली हैव 5 सेकंड्स. ऑप्शन बी सेरिब्रम, ठीक है, ये बड़ा हमारा पार्ट होता है.
एनिमल विच ले एग्स इज बेट, डक, बॉइल पेलेट्रिप्स, स्क्वायरल या कैंगरो। कौन सा मैमल है जो कि दूध देता है लेकिन एग्स एग्स देता है, मतलब जल्दी याद करें, डक, बाइल्ड पिलिप्लेरस, इसको सर्च करना, ये है क्या, लेकिन मुझे ये पता है कि ये है। स्नेक बाइट फर्स्ट इफेक्ट्स द लंग्स, ब्रेन, नर्वस सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन। ये ओनली है 5 सेकंड्स, कॉमन सेंस वाली बात है, वो लगें जल्दी। वो ऑप्शन डी, ब्लड सर्कुलेशन, जहर सी बातें। मिल्क इज द पोर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, ये मैंने बताया था। ये ओनली है 5 सेकंड्स, ये गुड ऑप्शन हमारा डी, कैल्शियम। मिल्क के अंदर कैल्शियम बहुत होता है। दूध पियो और अपने हड्डियों को मजबूत करो। मजबूत हड्डियां कैसे होती हैं, जाहिर सी बात है कैल्शियम होगा तो मजबूत होंगी। कुछ कॉमन सेंस भी होते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस यूज किया करो। विच एसिड इज प्रोड्यूस व्हेन मिल्क गेट्स सोअर, कौन सा मिल्क जो खट्टा खराब हो जाए तो कौन सा जो है वो पैदा होता है हमारा, जल्दी बताएं। 2 सेकंड रिमेनिंग, लैक्टिक एसिड, ओके। डाइमर्जन एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ, जल्दी बताएं ऑप्शन कौन से हैं इसमें, इनमें से जाहिर सी बात है डायमंड के जो यू नो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन ही होता है, डायमंड कार्बन से ही बनता है। और ना देखे तो अपनी ब्राइटनेस बढ़ा दें। साउंड कैन ट्रेवल थ्रो, जल्दी बताएं, ये भी मैंने साइंस पोर्शन में बताया था। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रो फ्री स्पेस, वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं होता लेकिन लाइट हो जाती है, ये भी मैंने साइंस में बताया था। ईयर इज पार्ट ऑफ देश, ये भी साइंस में के अंदर हमने पढ़ा था, जल्दी बताएं। नर्वस सिस्टम, क्योंकि ईयर जो है ना बैलेंस करने में हेल्पफुल साबित होता है। टी इज बेस्ट, डाइजेशन इज, जल्दी बताएं, ये भी मैंने बताया था, ग्रीन टी डाइजेशन के लिए, ये साइंस के अंदर आप अगर आपने नहीं पढ़ा तो देखें, सैंपल पेपर भी इसी से है, मैंने यू नो कोट किया है कि पूरी आपकी जो टेस्ट आएगी वो हमारे ही पास पेपर से, मेरे ही गिवन मटेरियल से आएगी, देखना। मोस्टली कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर साइंस इज अ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कौन सा है, जाहिर सी बात है हार्डवेयर है। और इनपुट है आउटपुट है, ये आप कमेंट में बताएं, कीबोर्ड कौन सा है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जल्दी बताएं, जाहिर सी बात है 1 सेंटीमीटर, मैंने ये भी पढ़ाया था, 100 मीटर। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे, अब यार ये मैथमेटिक्स मुझे नहीं आता, सॉरी टू से, मैथ मुझे नहीं आता। अब अगर आपको मैथ ना आए, ये भी बताते हैं, बेफिक्र रहें भाई, मैथ मुझे नहीं आ रहा, मैं मारूंगा तुक्के, इसका ये सही, इसका वो सही, लेकिन थोड़ा बहुत अकल भी। व्हाट इज फॉलोइंग सीरीज 1, 3, 8, मेरे हिसाब से है ही नहीं यहाँ पर ऑप्शन, सॉरी, लेकिन ये मैं आपको यू नो स्क्रीन शॉट्स इसके प्रोवाइड करता हूँ मैथ के, आप खुद करें, मुझे नहीं आता, मैं तुक्के मारता हूँ और मेरा हो भी जाता है, बेफिक्र रहें, लेकिन कभी कभी 30 में से 30 ही गलत होते हैं। सो यहाँ पर मैं तुक्के, और अभी जो बीपीएस में की मैंने दी थी उसमें से जो 30 थे उसमें से शुक्र था मेरे आए थे 23 सही हुए थे मैथ में। सो मैं मजाक करता हूँ कि ये होता है, बाकी जो है ना थ्योरी मुझे नहीं आती, तो प्रैक्टिकल आपकी भी ऐसी होगी, तुक्के मेरे मार देता हूँ। अब ये आई क्यू वाले अगर ना आए तो थोड़ा बहुत ऐसे कर ले, पहला मुझे नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, लेकिन इसको आप देखें 64, 32, 16, 8 का हाफ, जाहिर सी बात है 4 होगा, ठीक है, तो इसका ऐसी तुक्का मारें। ये भी मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रहा हूँ, काइंडली आप जाके कमेंट से डाउनलोड करना। अब यहाँ पर ये पूरी कीज़ हैं, ठीक है, मैंने ये मैथ की कीज़ भी दे दी हैं, और ये मैथ की कीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर डायग्राम्स हैं, ठीक है ठीक है। तो काइंडली इस पर कंप्रोमाइज़ करें, इससे आप खुद करें, मुझे मैथ वगैरह नहीं आता। अगर नहीं आता, अब देखें ऊपर साइंस है, जीके है, इंग्लिश है, अगर इनमें से आप मिला के 70 है, 70 में से अगर आप 60 या 50 भी सही कर लोगे, बाकी इंटर की जो परसेंटेज है या मैट्रिक की परसेंटेज है, ये आप मैं आपको बताऊंगा कैसे लगती है, वो लगेगी आपकी 60+ 70+ मार्क्स हो जाएंगे, तो आपका अच्छा ग्रेड जो है जिसमें भी शौक होगा वो आपको मिल जाएगा। और ना आए तो इनको सही कर लो, 30 है MCQs यार, 30 में से अगर आप तुक्का भी लगाओ, इतनी गैरत तो होगी, तुक्का लगाओगे 10 सही होंगे, तो आपके 70+ आराम से हो जाएंगे, जिस डिपार्टमेंट में हाथ रखोगे वो डिपार्टमेंट है आपका। तो कोई भी अभी आप अवॉइड करें मैथ को, मैथ नहीं आता उसको अवॉइड करें, उसको ना पढ़ें, पढ़ें ही ना उसको, थोड़ा प्रैक्टिस करें, अगर आते तो ठीक है, नहीं आ रहा टाइम वेस्ट ना करें, आप
जीके को टाइम दे, साइंस को टाइम दे, इंग्लिश को टाइम दे, और नरेशन और एक्टिव प्रेजो प्रीपोजिशन इस पर टाइम दे, साइंस के अंदर टाइम दे। अगर आपने वीडियोस मेरे नहीं देखे तो साइंस पे हमारा काम किया हुआ है, आप रीडिंग करें, जाएं प्रैक्टिस करें, पूरा जो दिन है कल वाला, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, पूरा दिन आप प्रैक्टिस में लगाएं, ठीक है। कोई भी टेंशन ना लें, रात को 9 बजे तक पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, सुबह उठ के चले जाएं, ठीक है। और मैं रात को इंशाल्लाह वीडियो रखूँगा सुबह के टाइम, वो आप जाएं तो उस वीडियो को सुन के जाएं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, उम्मीद है आप कल वीडियो देखोगे और अपने दोस्तों से शेयर करोगे। शेयर करो, सिंपल पेपर में आपकी प्रैक्टिस हो गई, ऐसे ही करना है। और ये जो क्वेश्चन से छोड़ने नहीं है, सारे करने हैं, जो नहीं आता उसको छोड़ दें, आखिर में वो फेल करें, टाइम बहुत होगा, वो आपको प्रेशर देंगे, टाइम ख़त्म ना ले, ये वो, उसको सीरियस ना ले, ठीक है, आराम से। और जो फिलिंग कर रहे हो, फिलिंग बिल्कुल आराम से करो, फिलिंग आराम से करो, ताकि आपकी गलती ना हो, फिलिंग में टाइम ज़ाया ना करना, फिलिंग आराम से करना। पेन आपको वो मैं आपको अलग वीडियो कल दे दूंगा, ठीक है, कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे जाना है, क्या क्या लेके जाना है। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू नो 2 अक्टूबर और 29 अक्टूबर वाले के लिए हम एफर्ट्स और भी डाल रहे हैं, उनको अब बहुत फ़ायदा होगा। देखो मैं हम एक बात कहूँ, हम संडे पे आएंगे इंशाल्लाह, तो आपकी टेस्ट हो जाए तो उसके बाद मिलेंगे, ठीक है। वो प्लानिंग कर रहे हैं, हम ग्रुप में देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट में जाओ, ग्रुप ज्वाइन करो, और ये दोस्तों से शेयर करो ये वीडियो कैसा लगा, और मैंने क्वेश्चन कौन से पूछे थे वो मैं कमेंट में देखूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।